हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है आप ये फेस बहुत दिन बाद में फिर से देख रहे हो। आई एम रियली सॉरी, मैं हमेशा बोलती हूँ इस टाइम में कंसिस्टेंट रहूँगी और मैं नहीं रह पाती हूँ। आई डोंट नो मैं कब अपना कमिटमेंट के ऊपर लॉयल रह पाऊँगी एंड मैं सच में जो अपने आप को जो प्रॉमिस करती हूँ उसको मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। गॉड नोज। खैर, जो भी हो, राखी फेस्टिव सीजन चल रहा है, राखी आने वाली है एंड हर जगह काफ़ी अच्छी सेल चल रही है। मैंने आजकल मैं शॉर्ट कुर्तीज बहुत पहनती हूँ एंड मैंने कुछ दिन पहले नहीं, लास्ट मंथ आई थिंक या उससे लास्ट मंथ मैंने शॉर्ट कुर्तीज़ का हॉल किया था जो कि मिंत्रा से था एंड आपको बहुत अच्छा लगा था। दिस टाइम मैं अमेजन से परचेज की हूँ बिकॉज अमेजन का थोड़ा और थोड़ा यू नो अफोर्डेबल होता है, बट वो 200, 150, 250 वाली नहीं बिकॉज वो बहुत ही लो क्वालिटी हो जाती है एंड यू नो पैसे के चक्कर में हम ऑर्डर तो जरूर कर लेते हैं बट यू नो हम वापस उसे बैक टू बैक पहनना पसंद नहीं करते। तो मैंने ऐसी चार कुर्तीज सर्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड कॉलेज वेयर, डेली वेयर मतलब आजकल डेली वेयर ऐसा हो गए ना कि हम कुछ भी जुगाड़ करके पहन के जा सकते हैं। आजकल स्पेशली इन दिल्ली एंड मुंबई आई कैन से दैट कि गर्ल्स जो है वो हमेशा टिप टॉप पहनना चाहती है। यू नो जो डेली वेयर के मतलब कुछ भी आप नहीं पहन सकते, यू वॉन्ट समथिंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स समथिंग विच लुक्स वेरी गुड ऑन यू। तो मैंने तो इसलिए मैं आजकल वही कुर्तीज खरीदती हूँ जो कि एक्चुअल में मैं पहन पाऊँ बाहर जा पाऊँ, क्योंकि मैं और मेरे सिस्टर कपड़े एक्सचेंज करते हैं तो हम हमेशा अच्छी क्वालिटी पर एट द सेम टाइम जो अफोर्डेबल भी हो वो परचेज करते हैं। तो अभी मैंने चार कुर्ती अमेजन से परचेज करी है जो कि बहुत ही अमेजिंग। तो मुझे नहीं पता था कि अमेजन में भी इतनी अच्छी कुर्ती हो सकती है। आई मीन अमेजन में पहले हम इलेक्ट्रॉनिक एंड होम डेकोर्स के लिए ज़्यादा फेमस था, बट अभी फैशन के आइटम्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग आने लगे हैं जो कि मुझे काफ़ी एक्साइटेड कर रहे हैं बिकॉज अमेजन इज द फर्स्ट वेबसाइट जहाँ से मैंने फर्स्ट नो परचेज करना शुरू किया था। अमेजन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं फैशन के लिए भी अमेजन में नो शॉपिंग कर सकती हूँ। ओके एंड या मैंने चार कुर्ती खरीदी है एंड लेट्स सी वो कुर्तीज कैसी है। एंड फर्स्ट कुर्ती जो है वो ऑलरेडी जो मैंने पहन रखी है पिंक कलर की, ये फेस्टिव कुर्ती है। इवन सी आई लव न्यूट्रल कलर्स, आई लव सॉफ्ट कलर्स, बट एट द सेम टाइम आई लाइक दैट ब्राइट कलर्स ऑल्सो। तो ये इसका कलर मुझे अच्छा लगा, इसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा। ये फेस्टिव, ये एक्चुअली फेस्टिव कुर्ती ही है लेकिन ये बहुत ही अफोर्डेबल है एंड इसको आई थिंक मैं दो तीन बार पहन चुकी हूँ बिकॉज बाकी कुर्तीज आते आते थोड़ा टाइम लग गई थी डिलीवरी, आई डोंट नो व्हाई इतना लेट था। तो जो भी हो उसको मैंने पहन लिया, मैं धो के भी देखना चाहती थी एंड इससे थोड़ी सी खिड़ी छुड़ी लग रही है, आयरन नहीं किया मैंने। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन भी नहीं है, रेयन भी नहीं है, बहुत अच्छा एंड गुड क्वालिटी का फैब्रिक है जिसकी वजह से ये खराब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एंड लेट मी शो यू द फुल कुर्ती एंड फुल इसकी जो साइज है वो इतनी है, मीन्स नॉर्मल शॉर्ट कुर्तीज इतनी भी होती है बट ये इतनी है। एंड यस, कितना प्यारा लुक आ रहा है। आई मीन ये कुर्ती का कलर इतना अच्छा है, ये किसी भी स्किन टोन पे अच्छा लग जाएगा, फेयर मीडियम डार्क किसी के साथ भी अच्छा लगेगा। कलर का को मतलब ये नहीं है कि ये मुझ पर नहीं आ, ये मुझ पर सूट नहीं करेगा, बट इसका ऐसा नहीं है। एंड ये डेफिनेटली फेस्टिव कुर्ती है, बहुत ही प्यारा लगा स्पेशली जीन्स के साथ बिकॉज मेरे को एकदम लॉन्ग शॉर्ट कुर्तीज भी पसंद नहीं है, मुझे इतनी साइज की जो कुर्ती होती है ना मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आई लव दिस कुर्ती। ओके, सेकेंड कुर्ती इज फ्रॉम बीबा। आई होप आपको बीबा ब्रांड के बारे में पता होगा। बीबा ब्रांड हाई एंड ब्रांड है। इसकी कुर्तीज की जो स्टार्टिंग है वही 1000 से स्टार्ट हो रही है एंड काफ़ी टाइम से मेरी नज़र थी अमेजन में इस कुर्ती की। ओ माई गॉड, मतलब दिस कुर्ती इज माई हार्ट। मैंने काफ़ी टाइम से इसको विश लिस्ट में रखा हुआ था बट ये स्टॉक में आती है और यूं जाती है, इसकी इतनी हाई डिमांड है। रीजन, ओ माई गॉड, कैन यू सी द लुक, कितना प्यारा लुक है। एंड ये एक लुक अभी बहुत फैशन में चल रहा है, अगर आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे इंस्टाग्राम में वेबसाइट्स है स्पेशली जहाँ पे इस टाइप की कुर्ती सेल कर रहे हैं जो कि 1000, 1500 के नीचे नहीं है। इवन मैंने दिल्ली हाट में भी देखा था जो कि 1500, 1600, 1700 ऐसे ही बता रहे थे, बट ये डिस्काउंट में है अमेजन में एंड आई थिंक ये 450 या 500 समथिंग कुछ है। मैं लिंक और जो प्राइस है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज चेक कर लेना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इस कुर्ती के लिए बाकी मैंने कुर्तीज खरीदी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। रीजन, क्योंकि मैं सोची कि जब ये खरीदी तो चलो दो तीन और खरीद लेती हूँ एंड ट्राई के लिए, क्योंकि कुर्तीज तो काम ही आती है क्योंकि अकेले और ऊपर से अकेले मुझको पहनने नहीं होता है। मेरे सिस्टर दिए तो हम दोनों पहनते रहते हैं तो हम खरीदते रहते हैं इसलिए। सो रीजन, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई लव दिस कुर्ती।
इसका कलर, इसका फैब्रिक, एवरीथिंग इज रियली रियली गुड. मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. एंड मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है बाय द वे, एंड मैं आपको पहन के दिखाती हूँ. सो दिस इज द कुर्ती. ओ हो हो, थैंक गॉड ये फाइनली मेरे हाथ में आ गया. ये ऑलमोस्ट फुल स्लीव ही होता है, एंड एज आई सेड ये कॉटन नहीं है, बहुत ही प्यारा एंड सॉफ्ट फैब्रिक है. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. मैं फैब्रिक अभी टैग में है नहीं, मैं वेबसाइट से चेक करके यू नो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना. बट इसका प्रिंट एंड कंफर्ट सब बहुत अमेजिंग है. मेरा एस साइज है बट मुझे एम में मिली. मैंने कहा ना ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होती रहती है ऐसी, अगर मुझे रिक्वायर्ड होगा तो मैं ऑर्डर करा लूंगी, अदरवाइज इतना ढीला मुझे अच्छा लगता है. एंड ये तो थोड़ा कश्मीरी एंड थोड़ा पश्मीना टाइप का इसका ना पूरा वाइब आता है. आई मीन पूरा इसका प्रिंट एंड थोड़ा यू नो इसका जो डिजाइन इस टाइप का, तो वो लोग ना थोड़ा ऐसे ढीला ढीला ही पहनते हैं. पाकिस्तानी गर्ल्स को आपने देखा होगा जैसे ढीले ढीले टाइप के, पाकिस्तानी काइंड ऑफ स्टाइल ही है यू नो, तो वो लोग इसी टाइप के पहनते हैं. तो आई थिंक ढीला चलेगा. मैं आज चार जो भी कुर्ती दिखाने वाली हूँ उसमें से ये आपको डेफिनेटली परचेज करना चाहिए. बिना कुछ सोचे ये डेफिनेटली परचेज करना चाहिए. मैं बोल रही हूँ दिस इज सो प्रिटी. ओके, फोर्थ कुर्ती ऑब्वियसली अमेजन से ही सारी है. मैंने सिर्फ पिंक वाले को छोड़ के अभी तक सोचा था, ट्राई भी नहीं किया है बिकॉज पिंक वाली पहले आ गई थी, थोड़ा लेट से आई, तो मैं सोचा कुछ वीडियो बना लेते हैं. एंड ये स्लीव लेस है. आई बॉट दिस कुर्ती ओनली फॉर द कलर बाय द वे, एंड इसका लुक ऑब्वियसली बहुत ही प्यारा है. एंड मेरे पास सारी फुल स्लीव की कुर्तीज ही थी, मेरे पास स्लीवलेस एक भी नहीं थी, जो कि जीन्स के साथ यू नो अगर यू नो दैट फ्लेयर्ड मॉम जीन्स के साथ ये इस टाइप की स्लीवलेस कुर्तीज बहुत ही प्यारी लगती है. ऑब्वियसली ये कॉटन में है एंड ये ब्रांड है JHB whatever. एंड या इसका कॉटन में ही है, बट मैं इसका ऑब्वियसली ये कॉटन है, प्योर कॉटन लग रहा है. वेबसाइट में इसका कॉटन ही लिखा हुआ है. इसका प्रिंट कलर बहुत अच्छा है, पीची पीच कलर है, डार्क पीच जो होती है. इसका प्रिंट सच बताऊँ बहुत अमेजिंग है. एंड इसको पहन के दिखाती हूँ आपको. दिस कुर्ती इज रियली प्रिटी बाय द वे. मुझे इसका कलर बहुत ही प्यारा लगा एंड स्पेशली मुझे बहुत खिल रहा है. आई मीन सच बताऊँ तो मुझे इतनी लेंथ की पसंद नहीं है. आई थॉट मुझे लगा ये इतनी एटलीस्ट होगी, बट ये आई थिंक जस्ट मेरे नी के ऊपर ही है. बट क्योंकि ये स्लीवलेस है तो आई थिंक इतना लेंथ मैं प्रेफर करूँगी. आई मीन मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, बट इट जस्ट कि इस जीन्स के साथ ये नहीं जा रहा. आई मीन इसके साथ कोई दूसरा जीन्स पहनना पड़ेगा, कोई लाइट ब्लू कलर की जीन्स. अदरवाइज कुर्ती बहुत ही क्यूट है. जस्ट सी आई मीन इसका कलर एंड प्रिंट की वजह से सच बताओ तो ये बहुत अच्छी लग रही है. एंड क्योंकि स्लीव है तो थोड़ा एक डिफरेंट एंड क्योंकि स्लीव है तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट लुक भी दे रहा है, थोड़ा यू नो मॉडर्न एंड थोड़ा स्टाइलिश लुक. एंड या दिल्ली गर्ल वाइब टाइप्स. ओके, सो अगेन इन ब्लू. आई डोंट नो मुझे आजकल ब्लू इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि आई डोंट नो मैं मिंत्रा से ही मैंने ब्लू कलर का परचेज किया था. अगर आपने मेरा वीडियो देखा था आपको पता होगा, एंड वो इंस्टाग्राम में वायरल हो गया. आई मीन मेरा आज तक का सबसे ज्यादा व्यू उसी में है. आई गेस नो इससे पहले भी है, बट उसने उस कुर्ती मतलब उस कुर्ती वो कुर्ती लोगों को इतनी अच्छी लगी कि मतलब सब ने मुझसे लिंक मांगा. यानी मैं लाइक वाह यार, आई मीन आई थिंक तो इसीलिए शायद मुझे ब्लू पसंद आ रहा है कि यार मुझे ब्लू सच में भी अच्छा लगता हो. तो अगेन मैंने ब्लू कलर में लिया जो कि बहुत ही क्यूट है, प्रिंट बहुत अच्छा है. ये कॉटन में ही है, एस साइज है, ब्रांड है मी मिशान. एंड अब मैं पहन के दिखाती हूँ. सो यस, पहन के ये इस तरीके की लग रही है जो कि मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है. सी मैंने कहा था ना ब्लू कलर मुझ पर ये आजकल बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है. आई मीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर, मुझ पर बहुत सूट करता है आजकल. एंड ये थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा स्ट्रेट थी एंड ये थोड़ी फ्रॉक काइंड ऑफ है, बट दस यहाँ से कट भी किया हुआ है एंड इसका नेक भी डिफरेंट है इसीलिए. एंड बहुत क्यूट कुर्ती है. आई मीन ये भी लेंथ हाँ मेरे टाइप का लेंथ, मुझे इतना लेंथ ही पसंद है. एंड इस जीन्स के साथ भी ये कुर्ती काफ़ी अच्छी लग रही है. इसकी प्रिंट, इसका फैब्रिक ऑब्वियसली सब बहुत अच्छा है. एंड या आई लव दिस कुर्ती. ओके, सो आई थिंक आई एम डन विद माई वीडियो एंड मैंने चारों कुर्तीज आपको दिखा दी है. एंड क्योंकि राखी फेस्टिवल आ रहा था, आई थिंक मैं मिंत्रा से भी कुछ परचेज करने वाली हूँ. जरूरी नहीं हमेशा मतलब मैं कुर्तीज या कुछ यू नो फैशन हॉल ही करूँ, मैं स्किन केयर मेकअप में भी करना, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने मेकअप भी नहीं खरीदा. एंड रिसेंटली मैंने अपना
अभी स्किन केयर चेंज किया है, जो कि उसका मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, बिकॉज यू नो मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं अपने स्किन पे जो कि काफी वर्क कर रहे हैं, एंड वो भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ. सो या स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल. एंड प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम में मैं आजकल बहुत अच्छा कर रही हूँ. मैं यूट्यूब में इसलिए नहीं डाल पाती हूँ वीडियोस, बिकॉज मैं अभी इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, बिकॉज वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे एंड सारे वीडियोस, क्योंकि बाहर जाके बनाने पड़ते हैं मेरे, बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है. वेस्ट नहीं, एक्चुअली यूटिलाइज ही होती है, क्योंकि बाहर वीडियो बनाती है तो मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. घर में मैं पहले बनाती थी, मेरा इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता था. आई थिंक अगर आप मुझे स्टार्टिंग से कोई जानता है, आप जानते हो कि मैं पिछले 2-3 साल से लगातार यू नो ट्राई कर रही हूँ, बट मेरा कभी अच्छा रिस्पॉन्स रहा नहीं. बट अभी मेरे को मिल रहा है, एंड या सो दैट्स व्हाई आई एम मोर ऑन इंस्टाग्राम. सो आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड सी कि मैं वहाँ पे कैसी वीडियोज डाल रही हूँ. ओके, सो बाय.